हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अब प्रदेश में तमाम छात्रों को जिम्मेदार बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुका है। बीते साल हुई वार्षिक परीक्षाओं में हर परीक्षा केंद्र को सीसीटीवी की निगरानी में रखने वाले शिक्षा बोर्ड ने इस बार एक कदम आगे बढ़ाया है। शिक्षा विभाग ने अब की बार न केवल हर परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी से लैस करने का काम किया है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अब प्रदेश के तमाम छात्रों को जिम्मेदार बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुका है। बीते साल हुई वार्षिक परीक्षाओं में हर परीक्षा केंद्र को सीसीटीवी की निगरानी में रखने वाले शिक्षा बोर्ड ने इस बार एक कदम आगे बढ़ाया है। शिक्षा विभाग ने अब की बार न केवल हर परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी से लैस करने का काम किया है, बल्कि उन्हें सर्विलांस में लेने की दिशा में भी काम मुकम्मल कर लिया है। सीसीटीवी से लैस तमाम परीक्षा केंद्रों के लिए शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से प्रदेश के चप्पे चप्पे पर बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर एक ही छत के नीचे से नजर रखी जा सकेगी। कभी भी किसी भी समय किसी को भी परीक्षा केंद्र कंट्रोल रूम अधिकारी सर्विलांस पर लेकर केंद्र की हर हरकत का जायजा ले पाएगा। बोर्ड की इस तकनीक से न केवल वार्षिक परीक्षाओं में बेहतर परिणाम आने की संभावना रहेगी, बल्कि छात्र भी इससे आत्मनिर्भर होंगे और भविष्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। हमारे जितने भी सेंटर हैं, जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है, वी आर ट्राइंग की वी मतलब हम उसे जो है उन सारे के सारे सेंटर को अंडर सीसीटीवी कवरेज रखना चाह रहे हैं, ताकि बच्चों में एक दिमाग से ये चीज़ निकल जाए कि इसमें नकल होगी। आपने शायद ही कभी ऐसा सुना होगा कि यूपीएससी के एग्ज़ाम या पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम या कोई ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें आदमी ये सोचता है कि मैं मुझे नकल मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसा बना ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं बना है, वो अंडर सर्विलांस होते हैं, तो वहाँ पे ऐसी कोई सोच ही नहीं। जब ऐसी सोच नहीं है तो बच्चा सिर्फ पढ़ के जाता है। तो हमारा एक एफर्ट है कि नकल की जो एक कुरीति है उसे बंद करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट एंड ईजी टूल कि उन्हें सर्विलांस पे लाया जाए, हम उसे यहाँ से मॉनिटर करें और उसका एविडेंस रहे, ताकि कहीं जहाँ कहीं भी ऐसी कोई गलती हो रही है तो उसे पकड़ा जाए और उसका निवारण किया जाए।